मधवापुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मधवापुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक APHC विशनपुर एवं HSC सलेमपुर तथा लोमा के सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस भवन का निर्माण होना था, जिसकी स्वीकृति विधानसभा क्षेत्र योजना अंतर्गत मिली थी। इसे बिहार मेडिकल आधारभूत संरचना विभाग द्वारा बनना था। स्वास्थ्य उपकेंद्र सलेमपुर के पुराने जर्जर भवन को तोड़कर ठेकेदार द्वारा गड्ढा खोदकर ईंट सोलिंग का काम 4 दिन पहले ही कर लिया गया। पिलर में रिंग बांधकर डालने के लिए तैयार कर रखा था। निर्माण स्थल पर ईंट बालू सीमेंट छड़ आदि बिल्डिंग सामग्रियां गिराकर ढालने की तैयारी की जा रही थी कि गुरुवार को सुबह अचानक ठेकेदार का मुंशी वाहन मंगवाकर निर्माण सामग्री उठवाने लगा, जिसकी भनक गांव सहित पूरे पंचायत में जंगल की आग के भांति फैल गई और ग्रामीणों ने आकर सामग्री उठाने पर रोक लगा दी। इस बात से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है कि विभाग द्वारा क्यों इस तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कोई इसके लिए मुखिया अनिरुद्ध राय पर तो कई लोगों ने विधायक सुधांशु शेखर पर अपने गांव इस हॉस्पिटल का भवन ले जाने का आरोप लगाने लगे। जितने मुंह उतनी तरह की बातें होने लगी, जबकि ये दोनों एक CHC प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो स्वयं परेशान होने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रतिनिधि ने जब इसकी हकीकत जानने के लिए विभागीय JE हामिद से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले से अन्य योजना से भवन बना हुआ है। उन्होंने बतौर साक्ष्य बिना किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के 2 पेज का एक फॉर्मेट व्हाट्सएप पर दिया, जिसमें ऊपर विधानसभा क्षेत्र योजना अंतर्गत नहीं बनने वाले विभिन्न जिलों के 44 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 13 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उल्लेख है, जिसमें इस प्रखंड के सलेमपुर लोमा उप स्वास्थ्य केंद्र एवं विशनपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा भी की गई है। हालांकि पंचायत के मुखिया अनिरुद्ध राय, पंचायत समिति सदस्य राम सेवक मंडल, वार्ड सदस्य मोहम्मद अकबर, अनिल कुमार सहित सभी ग्रामीण इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी परिस्थिति में निर्माण सामग्री तब तक नहीं ले जाने देंगे जब तक कोई अधिकृत पत्र नहीं दिखाया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ ठेकेदार अनिल कुमार ने बताया कि JE बिना हस्ताक्षर एवं मोहर के 2 पेज की कॉपी मुझे भी भेजकर काम पर रोक लगाने की सूचना दी है, जबकि मेरा पुराना भवन तोड़ने, ईंट सोलिंग कराने, पिलर बनवाने एवं मटेरियल गिराने में काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है, विभाग इसकी भरपाई कर दें। इस बाबत मेडिकल आधारभूत संरचना विभाग के कार्यपालक अभियंता विकास कुमार झा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से जो निर्देश मिला है उसी के अनुरूप हम लोगों को काम करना है। जिन स्थानों के HSC एवं PHC पर रोक लगा दी गई है उस पर कैसे काम करवा सकते हैं। विभाग का कथन है कि वहां हमारा भवन बनने से पहले ही बिना हस्ताक्षर मोहर की सूची पर उन्होंने बताया कि विभाग से सॉफ्ट कॉपी ऐसे ही आता है। मैं अनिरुद्ध राय, सलेमपुर पंचायत मुखिया। आज दिनांक 9/6/2022 सलेमपुर पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर हूँ। यह 2019 में दिसंबर महीना में सुधांशु शेखर जी विधायक जी द्वारा यह उप स्वास्थ्य केंद्र का लेटर दिया गया था। वह लेटर मैंने 2020 में पास हुआ था और मैंने DDC को वहाँ गया तो मैंने वह लेटर देखा। 2020 का पास किया हुआ है लेटर बना हुआ, तो मैंने सुधांशु शेखर जी MLA जी को, विधायक जी को मैंने बोला। विधायक जी के बोल करके मैंने इस पर कार्रवाई करा करके मैं किसी भी तरह मैं यहाँ करवाया क्या उप स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में। उसके बाद ये मालूम चला कि अब मतलब यह विभागीय द्वारा है, तो विभागीय विधायक जी के कोटा से नहीं है, यह विभागीय द्वारा है। विभागीय द्वारा यहाँ पर पंचायत क्या कहते पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में बनना आरंभ हो गया, जबकि वह जो पुरानी भवन था उसको तोड़ करके नया भवन बनाने के लिए गड्ढा खोन करके नौ ले करके सब लोहा गिर करके बालू गिट्टी सीमेंट सब गिरा करके बोर्डिंग गिरा करके सब कुछ काम कंप्लीट है। कल यहाँ पर हमको फोन गया, मेरा वार्ड सदस्य 5 नंबर का है कि मुखिया जी ऐसे से वापस यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनेगा, उठ के जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि किसी भी सामान को जाने मत दीजिए, जब तक कोई पदाधिकारी लेटर नहीं देता है तब तक नहीं जाने देना है। उसके बाद में ग्रामीणों के सहयोग से यह सामान नहीं उठने दिया। उसके बाद
हम लोग संपर्क में रहा ठेकेदार का, ठेकेदार से कोई संपर्क नहीं हो पाया और सामान नहीं देने जाने के लिए मैंने मना किया सलेमपुर पंचायत वासियों को, और सलेमपुर पंचायत के ग्रामीण ने वहाँ जा कर के रोक दिया। उसके बाद कुछ जो हमारा विरोधी पार्टी है वह सलेमपुर पंचायत की जनता को, सलेमपुर पंचायत वासियों को, सलेमपुर गांव निवासी को भड़का रहा है कि सलेमपुर का जो मुखिया है गुमराह कर रहा है जनता को कि सलेमपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र पोखरौनी उठा के मुखिया ले जा रहा है। तो सच्चाई तो सामने आना ही है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि हमने ऐसा नियत मेरा नहीं है, मेरा नियत ऐसा रहता तो मैं भी इस यही कहेंगे। 10-15 दिन से काम चल रहा है और अचानक पता चला कल से काम रुक गया हुआ है। हम विभाग से यही आग्रह करेंगे और बिहार सरकार से यही आग्रह करेंगे कि यहाँ पे 10-15 दिन से काम चल रहा है, वो काम चलना चाहिए। ये ठेकेदार बोल रहा है कि दूसरे जगह का अलॉटमेंट था, यहाँ गलती से बन गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दूसरे जगह का अलॉटमेंट कहाँ से हो जाएगा, दूसरे जगह का अलॉटमेंट कहाँ से हो जाएगा जब यहाँ पर सामान गिर गया हुआ है, 10-15 दिन से काम चल रहा है और कल पता चल रहा है इसे काम बंद है। तो ग्रामीण में आक्रोश है, काफी आक्रोश है कि आप देख सकते हैं ग्रामीण कितना आ गया है यहाँ पे। इसे लग रहा है कि लोगों को आंख में धूल झोंक रहा है ठेकेदार? हाँ, ऐसे 10-15 गांव से जुड़ता है ये स्वास्थ्य केंद्र, हमको मधुपुर जाना पड़ता है मरीज को लेकर, मरीज जाते जाते मरीज मर जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, विभाग से बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि बनने दिया जाए, 10-15-20 गांव से ये जुड़ता है और मेन रोड के साइड में है, कृपया करके बनने दिया जाए और बनना चाहिए। तो ग्रामीण में काफी आक्रोश है, अगर ये नहीं बनेगा तो हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। मधुपुर प्रखंड के निकटतम छोर पर बेनीपट्टी के सीमा के पास ये निर्माण कार्य चालू हुआ था जिसमें अवरुद्ध हो गया है। शासन और प्रशासन से हम लोग की तरफ से भी विनती है जो इसके अविलंब चालू कराया जाए। सलेमपुर, मधुपुर, मधुबनी, बिहार।